तुर्की की मदद से फलस्तीन की दो बड़ी जमातों हमास और अल फतह के दरमियान इंतखाबात के हवाले से तारीखी मौदा तय पा चुका है। हमास और अल फतह के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया। 15 साल में पहली बार फलस्तीन की दो बड़ी जमातें मुल्क में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक हो गईं। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीन के दो बड़े हरीफ ग्रोहों अल फतह और हमास के कायदीन ने अपनी दाखिली तकसीम खत्म करने और मफाहमत के हसूल के लिए तुर्की में मुलाकात की। तुर्की में होने वाली मुलाकात गुज़श्ता मुलाकातों और दो फलस्तीनी तहरीकों के माबैन होने वाली बातचीत की तौसी थी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मफाहमत के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। 3 सितंबर को फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की ज़ेरे सदारत हमास और अल फतह समेत 14 फलस्तीनी धड़ों के कायदीन का एक ऑनलाइन वीडियो इजलास हुआ था, जहां मौजूदा तमाम सियासी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद के मंसूबे पर इत्तफाक किया गया था। इससे कबल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पर इस अज़्म का इजहार किया था कि अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के साथ साथ मुस्तकबिल में दोस्तों और भाइयों के हकूक के लिए भी लड़ेंगे।